सेल समझने के बाद हम लोग क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, मोटिव मींस मोशन, और फोर्स मींस फोर्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही समझे कि सेल का मैकेनिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। अगर आपने इससे पहले जो क्लिप चल रही थी, जो वीडियो चल रहे थे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लें, तब ये वीडियो समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक और इस चैप्टर थर्ड के सारे वीडियोस का लिंक एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर देख लें। ठीक है, तो चलिए उसके बाद से हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कहाँ तक समझ लिया था, हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इंट्रोडक्शन को समझ लिया था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली में है तो क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इसके नाम में तो फोर्स लगा हुआ है, तो क्या इसका यूनिट न्यूटन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का एसआई यूनिट बताइए, तो वो उसके दिमाग में ये बात आएगी कि ओ फोर्स है, इसका मतलब न्यूटन होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा समझेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये समझा था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड से और सर्किट है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पूरा मैकेनिज्म ये समझा था कि जब भी आप एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है केमिकल रिएक्शन में, वो हायर से लोअर की तरफ होता है, इस वजह से क्योंकि कोई भी चीज़ स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ H2SO4 है और ये H2SO4 का एनर्जी हाई है, तो ये H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, तो जिंक के पास इलेक्ट्रॉन निकालने का कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। एट द सेम टाइम जो H2 यहाँ पर H2 प्लस सारे के सारे आ जाएंगे और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। इस तरीके से इसका पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है, और दोनों जगह पोटेंशियल होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक सर्किट दे देते हैं और इस सर्किट से ये पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता मिल जाता है और ये पूरे सर्किट से होते हुए इस तरफ आने लगता है, और इस तरह आपका यहाँ पर जो हमने बल्ब लगा रखा है ये ग्लो करने लगता है। अब यहाँ पर बात ये समझना है कि यहाँ पर जो H2SO4 है, ये H2SO4 एनर्जी तो बनाएगा। ठीक है, तो जब ये एनर्जी बनाएगा तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है कि इसके पास, इस H2SO4 के पास एनर्जी, और ये एनर्जी इस सारे चार्ज पार्टिकल को दे देता है, और ये एनर्जी जब चार्ज पार्टिकल को दे देगा तो किसी भी चीज़ को जब आप एनर्जी देंगे तो वो भागने की कोशिश करेगा, वो अपने अवस्था को छोड़कर दूसरे जगह जाने का कोशिश करता है। उसी प्रोसेस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर इसका नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास भी सेम चीज़ है, इसके पास भी एनर्जी है, और जब इसके पास भी एनर्जी होगा तो ये भी क्या करेगा, यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर पूरे मैकेनिज्म में एक्चुअली में हुआ ये है कि जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो जिंक के अंदर जो निगेटिविटी आया है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको इस पूरे मैकेनिज्म ने एनर्जी दे दिया है। ठीक है, और जो एनर्जी दिया है उस एनर्जी को लेकर ये भागने का कोशिश कर रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, इट इज़ दी एनर्जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ दी एनर्जी गिवन टू ए यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये एनर्जी है जो किसे दिया गया है, ये एनर्जी है जो किसे दिया गया है, यूनिट चार्ज को दिया गया है। जब ये एनर्जी लेगा तो ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, तो ये जब यहाँ से मूव करने लगेगा तो ये किसकी वजह से मूव कर रहा है, एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF कोई फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो एनर्जी दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, चार्ज को दे रहे हैं,
ठीक है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन एनर्जी बाय जूल, एनर्जी बाय चार्ज, एनर्जी गिवन टू ए चार्ज। तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा, एनर्जी के लिए हम लोग यूज करेंगे जूल, चार्ज के लिए कूलम, और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ईएमएफ का एसआई यूनिट होगा वोल्ट, ये एक एनर्जी है। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में इसे समझेंगे। ठीक है, डिटेल में कहने का मतलब यह है, देखिए इस पूरे इस कंटेनर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। जब पूरे कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो यहाँ पर H2 पॉजिटिविटी आ रही है, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। जब ये हाइड्रोजन प्लस इकट्ठा होगा तो ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको लेकर यहाँ से निकलने का कोशिश करेगा, और ये निकलेगा भी किस फॉर्म में, तो बबल्स के फॉर्म में यहाँ से इजेक्ट करना शुरू हो जाएगा। जब ये बबल्स के फॉर्म में यहाँ से इजेक्ट करना शुरू हो जाएगा तो होगा ये कि देखें आप कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्लस था, ये हाइड्रोजन प्लस यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से इस तरीके से रास्ते से होते होते यहाँ आया और फिर वापस यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हुआ ये कि जो हाइड्रोजन प्लस है उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। अगर हम इसी को रिवर्स करके कहें तो SO4 जो है, SO4 माइनस, ये हर जगह है, तो ये SO4 माइनस भी क्या होगा, यहाँ से ऐसे चलेगा और फिर यहाँ से इस तरीके से जाएगा और ये पूरा होते हुए यहाँ से वापस आएगा। तो यहाँ पर SO4 भी क्या कर रहा है, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो भी क्या कर रहा है, एक चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। निगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या है, यहाँ पर अगर हम एक्शन देखें तो ये निगेटिव SO4 माइनस का अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और जो H2 है इसका अगर देखेंगे तो ये आता है आपका क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जब एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो हम यहाँ पर इस डेफिनेशन को थोड़ा और अगर हम इस फॉर्म में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द एनर्जी गिवन टू ए यूनिट चार्ज टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा, और एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक यूनिट चार्ज को जो एनर्जी चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये चीज समझ में आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है, तो इस सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रहा है उसकी वजह से आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसमें का एनर्जी चार्ज को मिल रहा है और चार्ज के पास वो क्षमता हो जा रही, वो एबिलिटी हो जा रही है कि वो इस पूरे पाथ को, है ना, क्रॉस कर अपना एक साइकिल कंप्लीट करे और सर्किट को कंप्लीट सर्किट बनाए और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए और जो हम अपना इक्विपमेंट लगाए हैं उसे वर्किंग मोड में डाल दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है ये क्लियर हो रहा होगा आपका। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा देखें कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद हम लोग समझ गए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, जूल बाय कूलम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, ना कि न्यूटन। अब इसके बाद देखें कि यहाँ पर अगर हम इस रेजिस्टेंस, ये जो मेरा बल्ब है इसके पास रेजिस्टेंस है R, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है जो कोलिजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल के कोलिजन की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है, तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो जो चार्ज पार्टिकल इस लिक्विड में, इलेक्ट्रोलाइट में, है ना, लिक्विड कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइट में जब मूव करेंगे तो यहाँ भी कोलिजन होगा, और यहाँ भी कोलिजन होगा तो यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और जब यहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल रहा है वही रेजिस्टेंस यहाँ भी देखने को मिलेगा। और जब यहाँ वो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तो इस रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ वाले रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर यूज़ करते हैं, तो यहाँ वाले रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल आर। और स्मॉल आर को कहते हैं चूंकि ये अंदर का है, ये सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, इस वजह से इसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल आर। अब एक चीज देखें कि जो मेरा चार्ज पार्टिकल है SO4 माइनस, ये यहां से चला, यहां पूरा कंप्लीट करके आया,
पूरा एक साइकिल, तो पूरे एक साइकिल में इसने टोटल रेजिस्टेंस कितना, कितना ऑब्स्ट्रक्शन को झेला, कितना फेस किया, तो एक अंदर ये यू नो इसने स्मॉल आर को झेला होगा, फिर इसने कैपिटल आर को वहां झेला होगा, तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल आर, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे कंप्लीट सर्किट में ये। अब एक चीज थोड़ा समझना है, समझना ये है कि देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स है, यहां पर इसका कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, इसके पास क्या है पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड के पास, क्यों, क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्जेस है, इसके पास क्षमता है निगेटिव को इजेक्ट करने का, तो इसके पास निगेटिव पोटेंशियल, इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहां पर जो इसका, इसका अगर हम नाम दे दें ए और इसका नाम अगर हम दे देते हैं बी, तो यहां पर देखिए कि इस ए के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और बी के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी समझते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझते हैं। डिफरेंस में क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहां पर अगर हम ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को निकालें तो ये जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन हम किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा निगेटिव टर्मिनल है और ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दो टर्मिनल के बीच में निकाल रहे हैं, इसलिए इस इसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां लिख सकते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस समझ गया, दो इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक चीज देखें, यहां पर ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसे हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल कह रहे हैं। अब एक चीज समझिए कि यहां पर अगर मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, यहां से करंट अगर पास हो रहा है वो है 2 एम्पियर, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पर पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू आई आर, 2 × 2 4 वोल्ट, ठीक है, ये 4 वोल्ट हो गया। अब एक चीज देखें, अगर इस SO4 माइनस को अगर हम देखें तो ये यहां से पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है, तो सिर्फ यहीं पर इसका पोटेंशियल खर्च नहीं होगा, ये कितना वर्क डन हो रहा है यहां पर, कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर, जैसे मान लेते हैं कि 2 एम्पियर है, या इसे हम इस तरीके से कहें कि जो मैंने चार्ज दिया है 1 कूलम, वो 1 कूलम यहां से पास हुआ और उस 1 कूलम के पास, ठीक है, उस 1 कूलम के पास यहां पर जो वर्क खर्च, यहां पर जो एनर्जी उसने खर्च किया है वो कितना है, 4 जूल, ठीक है, इसने 1 कूलम चार्ज को यहां से हमने भेजा, ये गया यहां से और उसने देखा कि यहां पर रेजिस्टेंस है, तो यहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, उसने कितना एनर्जी लॉस किया, 4 जूल। अब देखिए तो ये क्या उसने पूरे कंप्लीट साइकिल में 4 जूल एनर्जी खर्च किया, तो नहीं, क्योंकि इस वजह से उसने पूरा टोटल 4 जूल इस वजह से खर्च नहीं किया, क्योंकि यहां पर भी रेजिस्टेंस है और यहां पर भी रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसने यहां पर भी खर्च किया होगा, और मान लेते हैं उसने यहां पर जो एनर्जी खर्च किया है वो कितना है, 2 जूल, तो टोटल उसने कितना खर्च किया, टोटल उसने कितना खर्च किया, 8 जूल, ठीक है। जब वो 8 जूल खर्च करेगा तो अगर हम देखें तो यहां पर अगर हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने का कोशिश करें कि यहां पर उसने जो एनर्जी खर्च किया है उस एनर्जी को खर्च करने में कितना पोटेंशियल खर्च हुआ, तो V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू,
और यहाँ पर चार्ज कितना है मेरा 1 कूलम, और ये कितना है पोटेंशियल, कितना है 2 जूल, वर्क डन कितना है 2 जूल, मतलब कि उसने यहाँ पर कितना पोटेंशियल खर्च किया है या यहाँ का पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। तो अब हम पूरे सर्किट का अगर हम वोल्ट पोटेंशियल निकालने का कोशिश करें तो हो जाएगा 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, और ये जो होगा मेरा 4 वोल्ट प्लस 6 2 वोल्ट, और टोटल जो आया 6 वोल्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं EMF। तो एक चीज देखिए कि EMF कितना है 6 वोल्ट और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4 वोल्ट, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वोल्टेज होगा वो ऑलवेज जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कम होगा किससे EMF से, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा किससे EMF से। अब एक चीज देखें कि अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो हम लोग समझ गए हैं, अब एक चीज देखें जो थोड़ा सा बेसिक है, ये मेरा पूरा सर्किट है, अगर हम इस चार्ज को मूव कराना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि जिस रास्ते से हम उसे मूव कराएं वो रास्ता, ठीक है, जैसे एक ट्रेन को पटरी पे चलानी है ठीक है, तो एक जो ट्रेन जब वो निकलेगी तो पटरी हर जगह क्या होना चाहिए मुकम्मल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी वो ट्रेन घूमकर आपको अपने वापस अपने जगह पर पहुंचेगी। अगर कहीं से ट्रैक टूटा हुआ है तो वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो पूरा एक ट्रैक का मैंने कंप्लीट एक इनिशियल से घुमाकर जो फाइनल तक एक पूरा चेन बनाया है, उस जो पूरा एक लेन बनाया एक पाथ बनाया, उस पाथ को इस इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं सर्किट कहते हैं, ठीक है। सर्किट सर्किट दो टाइप का होगा, एक सर्किट को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट और दूसरे को कहते हैं क्लोज सर्किट। ओपन कहने का मतलब यह है कि अगर सर्किट यहां से टूट गया तो फिर ये जितना प्रोसेस है चार्ज का मूव कराना ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट आगे जाने का रास्ता नहीं, तो हम कहेंगे कि सर्किट इज ओपन। लेकिन जब हम इसे यहां पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट, मतलब कि अब ये पूरा कंप्लीट है, जाने के लिए तैयार है, रास्ते पर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, ठीक है। अब देखिए इतना समझने के बाद हम काम ये करेंगे कि इस सर्किट में देखें तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R और ये अंदर EMF है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल R। अब ये यहाँ से चार्ज पार्टिकल मूव करके यहाँ से ऐसे जाकर वापस आएगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस से पास करेगा, दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ा हुआ कैसे है, तो दोनों रेजिस्टेंस अगर हम इस एंड को तोड़े और ऐसे खोल कर देखें तो आपको कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ से तोड़कर इसे ऐसे लंबा कर, तो आप देखेंगे कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का दोनों किस में है सीरीज में, इस वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया R प्लस R। अब इतना समझने के बाद हम इसे एक बैटरी के फॉर्मेट में या एक कंप्लीट सर्किट बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेल है, इसका कुछ EMF है और इसके पास कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये जो मेरा फिगर आया ये क्या है सेल, ठीक है, ये क्या हो गया सेल, इसके पास कुछ EMF है और इसके पास इसका EMF है और इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम इसे यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ जोड़ दिए। अब करंट पॉजिटिव टू निगेटिव करंट आई फ्लो करेगी, आर यहाँ कैपिटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये। तो अब अगर हम इतना करने के बाद यहाँ पर इक्वेशन लिखने का कोशिश करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन लिखने का कोशिश अगर हम करें तो यहाँ पर करंट कितना है, तो करंट है आई, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर हम पोटेंशियल निकालने V अगर निकालने का कोशिश करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा R के लिए लिख देंगे R प्लस स्मॉल r, ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आ गया I इंटू आर प्लस स्मॉल r। अब इसके बाद देखें तो V यहां पर इसे अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो एक चीज देखिए कि ये जो मैंने V लिखा है इस V में आप देखें तो यहां पर एक्सटर्नल इसे अगर हम सॉरी
ये V नहीं होगा, ये क्या होगा, EMF होगा। क्यों EMF होगा? क्योंकि यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो IR प्लस स्मॉल IR, तो यहां पर हम दोनों रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सटर्नल को भी इंक्लूड कर रहे हैं और इंटरनल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए EMF में क्या होता है, EMF में हम एक्सटर्नल भी लेते हैं और इंटरनल भी लेते हैं। 4 और ये 4 वोल्ट क्या है, एक्सटर्नल है, ये 2 वोल्ट क्या है, इंटरनल है। तो एक्सटर्नल इंटरनल लेने वाला कौन होता है, EMF होता है। तो यहाँ पर जो होगा EMF हो जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। अब यहाँ पर देखें तो आई आर किसका वैल्यू होता है, V, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू आई आर की जगह हम डाल देंगे V प्लस आई आर, ठीक है। तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल हमेशा छोटा होगा किससे, EMF से। तो आप देख सकते हैं कि EMF में पोटेंशियल में आपको कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, जब आप कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी ये EMF बनेगा। तो इसे साफ पता चला है कि EMF हमेशा ज़्यादा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि अगर हम इस सर्किट को ओपन कर दें, तो जब हम सर्किट को ओपन कर देंगे तो I यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। जब हम सर्किट को ओपन कर देंगे तो I यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो I के वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो इस कंडीशन में E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या EMF ऑफ द सेल, जब कोई करंट ना हो, जब कोई भी करंट सर्किट से ड्रॉ नहीं करे, उस वक्त जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल के लिए एक और डेफिनेशन क्या मिल गया कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इक्वेशन को देखा, EMF को देखा, EMF होता क्या है, और उसके मैकेनिज्म को समझा कि EMF को हम कैसे उसके नाम से जान रहे हैं। और EMF फोर्स नाम है, लेकिन ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली में ये एनर्जी है गिवन टू ए चार्ज। तो EMF का ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, और जो सेल, ये जो सेल हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, इस सेल के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, इस सेल के, ये जो सेल है, इस सेल का हम लोग फिगर सिंबल यूज करेंगे, ये वाला। तो इस सेल के कॉम्बिनेशन को समझेंगे कि अगर हम सेल सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा, और अगर सेल को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तब रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।